हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 27 मार्च 2024 और 27 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखती हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम हैती? फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशन मेघदूत, सेकेंड ऑप्शन है ऑपरेशन शक्ति, थर्ड ऑप्शन है ऑपरेशन राहत या फोर्थ ऑप्शन है ऑपरेशन इंद्रावती। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन इंद्रावती। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंसा प्रभावित हैती से डोमिनिकन गणराज्य में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ऑपरेशन इंद्रावती की घोषणा की। 12 नागरिकों को सुरक्षित स्थानांतरित कर दिया गया। हैती में लगभग 75 से 90 भारतीय रहते हैं, जिनमें से 60 ने स्वदेश से वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। भारत के पास हैती में एक राजनयिक मिशन का अभाव है, जो पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य के सेंटो डोमिंगो में अपने मिशन के माध्यम से मामलों को संभालता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड अ बैन ऑन डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स और वेप्स? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड ऑप्शन है न्यूजीलैंड, थर्ड ऑप्शन है पोलैंड या फोर्थ ऑप्शन है इंडोनेशिया। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। न्यूजीलैंड ने तंबाकू धूम्रपान को लक्षित करने वाले कानून को निरस्त करने के बाद डिस्पोजेबल ई सिगरेट और विप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को बेचने पर खुदरा विक्रेताओं के लिए $1,00,000 और व्यक्तियों के लिए $1,000 तक का उच्च जुर्माना लगाती है। यह कदम कम उम्र में वेपिंग पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों को बनाए रखने के प्रयासों को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में देखा गया दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इन विच स्टेट यूटी इज दाचीगाम नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज लोकेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान या फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में समाचारों में देखा गया दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। संरक्षण प्रयासों के बावजूद कश्मीर का हंगुल हिरण, जिसे कश्मीर हिरण के रूप में भी जाना जाता है, विलुप्त होने का सामना कर रहा है। यह शर्मीली और संवेदनशील प्रजाति यूरोपीय लाल हिरण की एकमात्र जीवित एशियाई उप प्रजाति, जम्मू और कश्मीर का राज्य पशु है। कश्मीर की पहाड़ियों के लिए स्थानिक, विशेष रूप से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में यह निवास स्थान के नुकसान और अवैध शिकार से ग्रस्त है। IUCN के अनुसार गंभीर रूप से लुप्त प्राय और साइट्स परिशिष्ट में सूचीबद्ध इसे लुप्त होने से बचाने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में देखा गया गुलाल गोटा किस शहर का पारंपरिक त्यौहार है? गुलाल गोटा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर राजस्थान का, सेकेंड ऑप्शन है उज्जैन मध्य प्रदेश का, थर्ड ऑप्शन है मथुरा उत्तर प्रदेश का, या फोर्थ ऑप्शन है सूरत गुजरात का। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में देखा गया गुलाल गोटा किस शहर का पारंपरिक त्यौहार है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर राजस्थान का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। जयपुर राजस्थान के कुछ हिस्सों में 25 मार्च को एक अनोखी होली परंपरा शुरू होती है। गुलाल गोटा के माध्यम से रंग फेंकना, सूखे गुलाल से भरी लाल की छोटी गेंदें, मणिहारों के नाम से जाने जाने वाले मुस्लिम लाख निर्माताओं द्वारा तैयार की गई यह परंपरा 400 साल पुरानी है, जिसे पूर्ववर्ती जयपुर शाही परिवार ने संजोया था। गुलाल गोटे एक सांस्कृतिक संलयन का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो क्षेत्र में समृद्ध विरासत और सांप्रदायिक सद्भाव को उजागर करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत और मोरिटानियों के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वर दी फर्स्ट फॉरिजन ऑफिस कंजुलेशंस बिटवीन इंडिया एंड मोरिटेनिया हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है नोआथियो, थर्ड ऑप्शन है नोआकचोट, या फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। बताइएगा फ्रेंड्स, भारत और मोरिटानियों के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नोआकचोट में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। भारत और मोरिटानियों ने द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हुए नुआकोट में अपना पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है। वार्ता में राजनीतिक सहयोग, आर्थिक साझेदारी और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल थे। द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में $108 मिलियन से बढ़कर 2022-23 में $378 मिलियन हो गया। जून 2021 में खोले गए भारत के रेजिडेंट मिशन ने संबंधों को मजबूत किया है। बैठक में दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता और सहयोग पर प्रकाश डाला गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की SSN AUKUS पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच ऑफ दी फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली साइंड अ न्यू एग्रीमेंट टू बिल्ड ऑस्ट्रेलिया SSN AUKUS सबमरीन्स? फर्स्ट ऑप्शन है यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी,
सेकेंड ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। थर्ड ऑप्शन है भारत, अमेरिका और चीन। फोर्थ ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया की SSNAUKUS पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक नया समझौता किया है जो रक्षा सहयोग में एक मील का पत्थर है। ASC और BE सिस्टम से खुफिया निगरानी और समुद्र के अंदर युद्ध के लिए सुसज्जित पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे। SSNAUKUS औद्योगिक सहयोग बढ़ाएगा, सामूहिक क्षमता बढ़ाएगा और रक्षा क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। AUKUS का लक्ष्य उत्पादन और रखरखाव क्षमताओं को सुनिश्चित करते हुए तीनों देशों में एक मजबूत पनडुब्बी औद्योगिक आधार को मजबूत करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सुअर से जीवित मनुष्य में आनुवांशिक रूप से संशोधित किडनी का पहला प्रत्यारोपण किया? विच कंट्री रिसेंटली परफॉर्म्ड द फर्स्ट ट्रांसप्लांट ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी फ्रॉम अ पिग टू अ लिविंग ह्यूमन? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन है UK, थर्ड ऑप्शन है भारत या फोर्थ ऑप्शन है रूस? बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस देश ने सुअर से जीवित मनुष्य में आनुवांशिक रूप से संशोधित किडनी का पहला प्रत्यारोपण किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका देश ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। अमेरिकी सर्जनों ने आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर की किडनी को 62 वर्षीय मरीज में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया जो बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में एक ऐतिहासिक सफलता है। पिछले प्रयासों के विपरीत जहां सुअर की किडनी को अस्थायी रूप से मृतदाताओं में प्रत्यारोपित किया गया था, यह पहली बार है कि सुअर की किडनी को किसी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया गया है जिसमें रोगी के ठीक होने के आशाजनक लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस स्थान पर नेत्रावती वाटर फ्रंट प्रोमेनेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर कार्यवाही शुरू की है? रिसेंटली एट विच प्लेस द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन न्यू दिल्ली हैज इनिशिएटेड एक्शंस ऑन द नेत्रावती वाटर फ्रंट प्रोमेनेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन है इंदौर, सेकेंड ऑप्शन है चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है मंगलुरु या फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद? जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मंगलुरु। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मंगलुरु में नेत्रावती वाटर फ्रंट प्रोमेनेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर कार्रवाई की है। नेत्रावती नदी कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले से निकलती है, पश्चिम की ओर अरब सागर की ओर मुड़ने से पहले 40 किलोमीटर तक बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कुमारधारा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 के तहत स्थापित ट्रिब्यूनल का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी चिंताओं से संबंधित मामलों का समय पर निपटान करना, 6 महीने के भीतर निर्णय सुनिश्चित करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनिट के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया?
रिसेंटली हु वॉज अनएमियसली इलेक्टेड एज द को चेयर ऑफ द डिजिटल इनोवेशन बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। फर्स्ट ऑप्शन है नीरज मित्तल को, सेकेंड ऑप्शन है अपराजिता शर्मा को, थर्ड ऑप्शन है अजय रंजन मिश्रा को, या फोर्थ ऑप्शन है सुनील मित्तल को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए नीरज मित्तल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू को पढ़ते हैं। डॉक्टर नीरज मित्तल को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया। 1865 में इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के रूप में स्थापित यह 1947 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई। 193 सदस्य देशों और 1000 से अधिक समृद्ध संस्थाओं के साथ ITU वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम आवंटित करता है, तकनीकी मानक निर्धारित करता है और दुनिया भर में ICT पहुंच को बढ़ावा देता है। भारत 1869 में एक सक्रिय सदस्य रहा है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द संगीत कला निधि अवार्ड इन 2024 बाय द मद्रास म्यूजिक एकेडमी। फर्स्ट ऑप्शन है अरुणा साईराम को, सेकंड ऑप्शन है एनजी गणेशन को, थर्ड ऑप्शन है रीता राजन को, फोर्थ ऑप्शन है TM कृष्णा को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी TM कृष्णा को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू को पढ़ते हैं। कर्नाटक गायक थोदुर मदाबुसी कृष्णा को मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कृष्णा की शक्तिशाली आवाज, परंपरा के प्रति प्रतिबद्धता, संगीत के प्रति खोजपूर्ण दृष्टिकोण और सामाजिक सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में संगीत के उपयोगों को मान्यता देता है। कृष्णा को कर्नाटक संगीत में जाति और लिंग राजनीति के बारे में पारंपरिक विचारों को चुनौती देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी संगीत यात्रा कम उम्र में शुरू की और 12 साल की उम्र में कृष्णा ने मद्रास संगीत अकादमी में अपना पहला संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।